और दोस्तों क्या हाल चाल है, आज हम बात करने वाले सैमसंग रेफ्रिजरेटर के बारे में, जानेंगे इसकी प्राइस और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, वीडियो कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा आपको इसका अमेजिंग प्राइस जो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाना चाहिए और मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन में कितना मिलना चाहिए। तो चलो फट से इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉप। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। हम आपको बताएंगे हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फट से आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये जो फ्रिज है ये 192 लीटर का है, 192 192 जो है ये ग्रॉस वेट है, मतलब कि इस फ्रिज को एक टैंक में डाला जाता है और उससे जितनी पानी निकलती है वो देखा जाता है कि कितना पानी निकला। और बात करते हैं फ्रिज के अंदर में कितना स्टोरेज है, मतलब कि फ्रिज को अगर ढक्कन खोल देते हैं और अंदर पानी भर देते हैं पूरा का पूरा तो कितना लीटर पानी हटेगा, तो उसमें हटेगा 183 लीटर 183 लीटर पानी हटने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके स्टार के। ये फ्रिज आता है आपको 3 स्टार के साथ में, 3 स्टार ये फ्रिज है। इसका जो मॉडल है RR20828YCR/NL2021 का ये बना हुआ मॉडल है। और बात कर लेते हैं इसके स्टोरेज के, 192 ग्रॉस वेट है आपका जो अंदर में लेने वाला है, 183 183 लीटर ये अंदर का स्टोरेज है। और यूनिट की बात कर लें तो ये खाने वाला 162 यूनिट पूरे 1 ईयर में। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं अगर वहाँ पे 6 रुपये यूनिट चल रहा है तो ये पड़ने वाला है एक साल में मात्र 1000 रुपया आपका बिल आने वाला है, बिजली बिल। और यहाँ पे मिल जाता है 10 ईयर की वारंटी, डिजिटल इन्वर्टर मॉडल। और बात करते हैं वोल्टेज के बारे में तो 100 से लेकर के 300 वोल्ट के बीच में ये चलने वाला है। ये जो फ्रिज है इसमें बिना स्टेबलाइजर के ये चलने वाला है। वैसे तो आजकल सारी फ्रिज जो है आपके बिना स्टेबलाइजर के चलता है। और यहाँ पे मिल जाता है सैमसंग का लोगो, साइड में मिल जाता है लंबा हैंडल। और अब बात कर लेते हैं पेंट जॉब के बारे में, तो पेंट जॉब काफी अच्छा है, मतलब कि पेंट जो है काफी अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है। और ये जो हैंडल है वो सीधा लंबा है, काफी लंबा है, लगभग 1 फीट के आसपास का है। उसी के नीचे मिल जाता है आपको लॉक सिस्टम, जो लॉक का जो चाबी रहेगा वो रहेगा प्लास्टिक का। और यहाँ पे मिल जाता है एक हल्का सा कर्व, मतलब कि जो फ्रिज है ना ऐसा दूर से लगने देखने पे लगता है ऐसा कि डबल डोर फ्रिज है। और नीचे में मिल जाता है आपको आलू और प्याज रखने के लिए। और अब बात कर लेते हैं इन्वर्टर मॉडल का मतलब क्या है, आखिर क्या है इन्वर्टर मॉडल, मतलब डिजिटल इन्वर्टर जो है ना वो क्या करता है कि एसी करंट को लेता है और डीसी में कन्वर्ट करता है। और उस पावर को जब डीसी में कन्वर्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या करता है, ये यूनिट कम उठाता है, 162 यूनिट जो उठाने वाला है ये इसी का नतीजा है क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है, इन्वर्टर से आपको चलाना नहीं है। यहाँ पे मिल जाता है आपको कंप्रेसर जिसकी वारंटी रहेगी 10 साल तक, इसी कंप्रेसर की वारंटी रहने वाली है 10 साल की। और बाकी चीज़ों का जो वारंटी रहने वाला है वो 2 साल रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ करना चाहिए था सैमसंग को कि जाली लगा देना चाहिए था, बट ये इसने खोल रखा है। खुले वे में क्या होता है कि कभी कभार चूहा हुआ उसका वायर काट लेता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये चूहा की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे मिल जाता है कस्टमर केयर का नंबर और नीचे में मिल जाता है आपको सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें। पेंट जो है काफ़ी मोटा है और जो चदरा है, जो मेटल है इसका जो चदरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पतला है। आप अगर इसको आराम से उठाएंगे तो इसका वेट जो होने वाला है वो लगभग आपका 40 से 50 केजी का ये वेट सिर्फ फ्रिज का है, विदाउट बॉक्स, मतलब कोई भी कार्टून के साथ नहीं, सिर्फ फ्रिज का जो है 40 केजी के आसपास वेट है इसका। और अंदर की बात कर ले तो यहाँ पे मिल जाता है आपको फ्रीजर, फ्रीजर के साइड में मिल जाता है आपको बटन कम बेसी करने वाला। अगर आप गर्मी में हैं तो आप पूरा हाई कर देंगे और ठंडे में तो ऑफकोर्स कम कर देंगे, वो आपके ऊपर में है जैसे आप मैनुअली उसको एडजस्ट कर पाएं। यहाँ पे मिल जाता है 1 2 3 सारा मोड मिल जाता है, ये सारी चीज़ें रही। और यहाँ पे मिल जाता है नीचे में, यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे मिल जाता है आपको सीरियल नंबर और मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चिपकी हुई रहेगी। अगर आपको 10 साल तक वारंटी चाहिए तो ये पेपर कबड़ना नहीं चाहिए भाई। और कभी भी इन फ्यूचर में फ्रिज में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो सीरियल नंबर के नीचे में है। फ्रीजर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है और टफिन ग्लास का, मेन है ये कि टफिन ग्लास का ये जो रेक बना हुआ है जो सारा है वो टफिन ग्लास का है। टफिन ग्लास होता क्या है कि ग्लास और फाइबर को दोनों को मिक्स किया जाता है, इसके ऊपर में आप 70 kg तक वजन रख सकते हैं, 70 kg एक एक ग्लास के ऊपर में रख सकते हैं आप आराम से, ये ब्रेक नहीं होने वाला ना तो स्क्रैच होने वाला है। और यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे भी आपका टफिन ग्लास का सारा सेटअप मिल जाता है, नींबू रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए, ये सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप बड़ा वाला बोतल 2.5 लीटर का रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है। और बात कर लेते हैं चाबी के बारे में, तो ये मिल जाता है हमें चाबी जो प्लास्टिक है वो हैंडल के नीचे में यहाँ पे लगने वाला है,
यहाँ पे लगा कर आप आराम से लॉक कर सकते हैं, और अंदर से लॉक जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दरवाजे में है। ये प्लास्टिक का है, अगर आप ये लॉक रहेगा, अगर थोड़ी ज़्यादा फोर्स से खींचा जाए तो बिना अनलॉक किए भी खुल सकता है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में ऑल ओवर। तो इसका जो प्राइस आने वाला है वो है 15,800 ऑफलाइन में। अगर आप किसी भी दुकानों में खरीद रहे हैं तो 15,800 तक से इससे ज़्यादा पेमेंट कतई नहीं करें, है ना, बिल्कुल करना ही नहीं है भाई। और अगर इतने में नहीं मिल रहा है तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके चेकआउट करें। हमारे चैनल पे जो प्राइस बताया जाता है वो ऑनेस्ट प्राइस है, बिकॉज आई एम अ डीलर सो आई टेल यू अबाउट अ प्राइस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।